नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब स्थायी ठिकाना बना रहे हैं आदमखोर बाघ। 5 सालों में ग्रामीणों पर बड़े बाघों के हमले। सेल्फी का शौक पड़ा जिंदगी पर भारी, गंगा नहर में बहे 2 युवा। ऐसे कैसे होगी छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई? उत्तराखंड में 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का किया वादा। सरकार ने इन बच्चों के स्कूलों में बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। उत्तराखंड में 22 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। वहीं देहरादून में 20 से 22 फरवरी तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों जिला कार्यालय भाजपा में हुई तोड़फोड़ करने के मामले में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता परमानंद चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव के दौरान फर्जी बिल का भुगतान न करने पर एक युवा द्वारा भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित में दे दिया गया है और वे वरिष्ठ पद अधिकारियों से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो पार्टी के छवि को धूमिल करने का काम लगातार कर रहे हैं। 17 तारीख को यहाँ पर आया कि 8 दिन का इस गाड़ी का, जबकि इस गाड़ी का मैं 1 तारीख से 13 तारीख तक भुगतान कर चुका हूँ जो लीगल था। अब ये कहता है कि 25 तारीख से मेरे पास गाड़ी थी। मैंने कहा भाई, अगर मैंने तो लगाई नहीं ना, मैं था, अगर प्रत्याशी जी ने लगाई है तो वो भुगतान कर दें, अगर वो कहें तो मैं अपने घर से कर दूंगा वो कहेंगे तो। इसके बाद ये हल्ला करने लग गया तो मैंने कहा भाई, तू 8,000 का फर्जी बिल भी लाया था? अब इतना कहना था, इसने कहा भाजपा फर्जी करा, ये इसने कुर्सी को तोड़ दी, ये भाजपा का मामला है, भाजपा को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये तो नजीर बन जाएगी, जो ये आएगा यहाँ कुर्सी तोड़ जाएगा भाजपा। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल कुआं से देहरादून जाते हुए विधायक आदेश चौहान के चुनाव कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 48 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस हाईकमान जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा ईवीएम मशीन पूरी तरह सुरक्षित है, भाजपा के हाथ में है इसलिए असुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने के लिए कहा है और थैंक यू जसपुर और थैंक यू तराई कहा। टेक्नोलॉजी यदि देवता के हाथ में है तो वरदान है, यदि किसी और के हाथ में टेक्नोलॉजी है जो गड़बड़ कर सकता है तो टेक्नोलॉजी से डरना पड़ता है। तो भाजपा के हाथ में ईवीएम की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ये आशंका हमेशा लोगों बनी रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट कर। थैंक यू जसपुर कहने और थैंक यू तराई कहने दिया, क्योंकि जसपुर भी जीत रहे हैं, तराई जसपुर से लेके टनकपुर तक पूरी तराई भावर कांग्रेस जीत रही है। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, जिसमें कारोबार फिर से पटरी पे आने लगा है। पिछले वर्ष कोरोना काल में लाल कुआं क्षेत्र के एकमात्र नवनिर्मित हल्दूचौर स्थित सिनेमा घर मूवी जोन का विधिवत रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मूवी जोन में हिंदी फिल्म पुष्पा मूवी देखी और इस दौरान उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर मूवी जोन के स्वामी योगेश महतोलिया को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि मनोरंजन के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे शॉर्ट मूवी को भी बढ़ावा मिलेगा जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देती है, जीवन में मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी, इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और ये एक अच्छा कॉमर्शियल वेंचर साबित होगा, इसका मुझे भरोसा है। सब लोगों के सपोर्ट से एक लाल कुआं में हमने एक नई सोच रखी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, और दूसरा कि रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में लोगों को क्या इतनी थकान है, सब स्ट्रेस है, इसको दूर करने के लिए हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें सोची। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था पौड़ी की ओर से
13 दिन तक जूट से बने सामान की जानकारी और परीक्षण दिया गया। पौड़ी से सभी महिलाओं को अंतिम परीक्षा देकर उनका प्रशिक्षण समाप्त करवाया गया। आपको बता दें कि निर्देशक जुगल किशोर जोशी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं को जूट से बनने वाले हैंडबैग, कैरी बैग, छोटे और बड़े बैग आदि बनाने की समुचित जानकारी दी गई है, ताकि आने वाले समय में वह स्वयं इस कार्य को कर सके और आत्मनिर्भर बनने के साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय अन्य महिलाओं को भी इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमने जूट बैग की ट्रेनिंग ली, मात्र 13 दिन का था ये, पर हमने सीखा, जो हमें नहीं आता था वो भी सीखा हमने, कटिंग वगैरह, सिलना, फूल वगैरह बनाना, कास्टर वगैरह बनाना सीखा हमने, ये सब सीखा। और हम यहाँ जूट बैग के प्रशिक्षण के लिए एकत्रित हुए थे, और जिसमें हम अगर हमें जूट बैग बनाना आएगा तो हम अपना व्यवसाय खोल सकते हैं और उसमें लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, जिससे हम और इससे जागरूकता फैला सकते हैं कि जिस तरह हम अपना रोजगार कर रहे हैं आप भी वैसे ही करो। जैसे कि आज की तारीख में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं लगभग उस पर बैन भी लग गया है, और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे नहीं है, इसलिए जो जूट बैग है इसका अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी जहाँ हमने ट्रेनिंग दी थी वहाँ पर DRDA द्वारा उनके लिए मशीनें भी उपलब्ध करा दी गई हैं, और वो महिलाएं उत्सुक भी हैं, तो उनके पास बाज़ार भी नज़दीक में है, पौड़ी है, उधर श्रीनगर है, उधर कोटद्वार की तरफ भी है, तो उनका भविष्य उनके साथ बातचीत करके लगा कि वो लोग काम करेंगे और अच्छा करेंगे। एम्स ऋषिकेश में हुई 800 नियुक्तियों, जिसमें 600 नियुक्तियां एक ही राज्य से करने के लिए विरोध में सरस्वती विहार चौक अजबपुर क्षेत्र की जनता ने प्रदर्शन किया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, 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 एम्स की नियुक्तियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एम्स की नियुक्तियां रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। वक्ताओं ने सभी नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की, और इस घोटाला से लिप्त एम्स डायरेक्टर, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र सरकार की भूमिका को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की। वक्ताओं ने आंदोलन को पूरे उत्तराखंड में करने की अपील की। प्रदर्शन में त्रिलोक सिंह सजवान, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रोशन धस्माना, महिला मंच की नेता निर्मला बिष्ट, गढ़वाल सभा के सचिव गजेंद्र सिंह भंडारी, कांग्रेस नेता विनोद चौहान, कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, विजय गुप्ता, क्षेत्र समिति के उपाध्यक्ष BS चौहान, सतेंद्र उनियाल, आशीष गुसाई, सुबोध मेठानी, मानवेंद्र भरतवाल, दीपक काला, पुष्कर गुसाई, राम सिंह सजवान सहित क्षेत्रवासी महिलाओं एवं नौजवानों ने नियुक्तियों के विरोध में प्रदर्शन किया। आज की खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।